बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो इस तरह के चमचे सभी के घर में होते हैं, अक्सर ये टूट जाते हैं, तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर में ही मुरम्मत करनी पड़ती है। तो आज मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपके भी चमचे अगर इस तरह टूट जाएँ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टूटते हैं, किसी के साथ एल्फी लगती है, किसी के साथ टेप लगता है, तो हमारा चमचा जो टूटा है तो इसके साथ लगेगा जी टेप। तो इस तरह अगर आपका भी चमचा, अक्सर इनकी ये जो चमचों की पीछे वाला हैंडल होता है बहुत नाजुक होता है ये डंडी, तो ये अगर टूट जाए तो आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके काम आ जाएगा, ठीक है ना। आपने इस तरह ना इसके ऊपर टेप चढ़ा देनी है, टेप चढ़ा देनी है अच्छे से, ये मज़ीद टूटेगा भी नहीं और बुरा भी नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं आप कि मैं इसके ऊपर किस तरह टेप चढ़ा रही हूँ, इसी तरह आपने मोटी मोटी करके इसके ऊपर टेप चढ़ा देनी है। यहाँ जो स्टील वाला था छोटा सा गोल सा इसका कैप, तो उसके ऊपर भी टेप चढ़ा देनी है ताकि ये हिले ना जब आप कुछ बना रहे हो और आप डिस्टर्ब भी ना हो। आई होप आपको ये मेरी जो टिप्स है बहुत पसंद आई होगी और आप देख रहे होंगे छोटी सी टिप्स टेप को बंद करने की। तो ये देख सकते हैं आप, ये टेप इस तरह मैंने बंद किए, आइंदा ईजिली आपको इसका सिरा मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा हमारा चमचा हो गया है। अब घर ही में मुरम्मत करें, अपने चमचों की बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। टिप्स नंबर टू जी, इस तरह की स्पून स्टील की हम लाते रहते हैं तो इनकी चमक दमक मांग पड़ जाती है। तो आज इनकी चमक दमक के लिए हमने लिए यहाँ पर टेबलेट, आप कोई भी टेबलेट ले सकते हैं, बेकार टेबलेट, ठीक टेबलेट कोई भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं लूँगी जी दो टेबलेट, क्योंकि स्पून हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है और ये टेबलेट बड़ी कमाल की हैं, अगर आप लेते हैं तो आपकी तबीयत ठीक करती हैं और अगर आप इनसे बर्तन धोते हैं तो ये आपके बर्तन चमका देती हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म गर्म पानी यहाँ पर लिया है, ठंडे पानी का यहाँ पर काम नहीं है, और ये इसके अंदर ही जो है ना ये टेबलेट्स जो है ना पिघल जाएंगी, यानी कि बिल्कुल इनका पाउडर बन जाएगा। और इसके बाद हम लेंगे जी, सफाई में नंबर वन है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ले लिया हमने। और अब तीसरे नंबर पे जो लेंगे वो लेमन मिक्स, आपको पता है बर्तन कितने अच्छे करता है और बहुत अच्छी सी जो है इसकी होती है फ्रेगनेंस होती है। अब यहाँ पर ये हम 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना इसके चमचे हमारी चमक जाएं, ठीक है। इस तरह ही हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको धोते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखिए, धो ली हमारी स्पून और देखें कैसी निकली, कितनी लश पश कर रही हैं। इसी तरह आप अपने सारे पुराने बर्तन करके चुन चुन के जो है ना उनको ऐसे ही चमकाएँ। अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। अक्सर बच्चे दीवारों पर, हाथों पर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने फेस के ऊपर इस तरह के कार्टून वगैरह 1, 2, 3, ABC लिख लेते हैं और वो साफ़ नहीं होते साबुन से भी। तो आपने करना क्या है, आपने इस तरह ले लेना है बॉडी स्प्रे या परफ्यूम आपने ले लेना है और इसको हाथ के ऊपर अच्छे से जो है ना लगा लेना है ना, फिर आपको टिश्यू यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त टिप्स है, फ़ौरन जो है ना उतर जाता है, बल्कि टिशू की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप हैंड वॉश कर सकते हैं, वैसे परफ्यूम की जो है ना फ्रेगनेंस ही अच्छी लगती है, रहने दें, हाथ वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी नन्नी मुन्नी सी टिप्स बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ पर जी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल पर अगर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं जी बहुत ही ख़ास और कमाल की टिप्स की तरफ। ये बाज़ लोगों को बहुत सताती है, जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, जैसे कि हमारे बड़े वाले वालदा जो होती हैं इस तरह, और अक्सर हम घर में छोटे बच्चों को दे देते हैं कि आप सही धागा डाल सकते हो, आपको सही ये नज़र आ रहा है, इसका सुई का सुराख छोटे से छोटा भी होता है, तो वो कहते हैं चलें हम डाल के देते हैं। तो आज के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह की बारीक सी आपने तार लेनी है। ये घर में बैलून आए थे बच्चों के, तो उन बैलून से मैंने निकाल दी थी, आजकल के वो बैलून जो इंजन में लाइटें लगी होती हैं ना, तो उनकी जो अंदर से बैलून जब फट गया तो मैंने उसके अंदर से निकाल दी। अब इसको देखें आपने, मैंने डबल करने के बाद इस तार को इस तरह कर लिए, बिल्कुल बाल की तरह पतली तार है।
तो तभी कहते हैं कोई चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो मैं करीब कर लेती हूँ कैमरे के, ये आप देख सकते हैं कि ये तार इतनी पतली है कि सुई के अंदर चली गई है। अब आप क्या करें, अब आप इसके पीछे जो है पीछे वाले सिरे पे अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा लगी रहे और आपका ये बना रहे सुई में धागा डालने वाला ऑर्गेनाइज़र, तो आप पीछे टेप लगा सकते हैं। बट मैं जो है ना बहुत डिफरेंट तरीक़ों से धागे डालती रहती हूँ सुई में, तो मैं उन्हीं से करूँगी। आप जो अगर लगाना चाहते हैं तो लगा दें। अब आपने इस तार को ना तार में धागा डालना है, ठीक है, धागे को इस तरह पकड़ना है ताकि निकले ना, और तार को खींच लेना है। ये देखें तार को जब आपने खींचा तो सुई के अंदर धागा आ गया। आई होप ये टिप्स भी बहुत कमाल की है, और वक्त पड़ने पर कि छोटी छोटी टिप्स हमें बहुत कीमती लगती हैं और फिर हम इसे यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही फ़ायदा मिलता है। चलते हैं अगली टिप्स की तरफ जी। सर्दियों का मौसम जो है ना आन पहुंचा है, हर जगह पर सर्दी हो गई है, यहाँ तक कि कराची में भी सर्दी आ गई है। गले छोटे बड़ों बच्चों के ख़राब रहने लगे। अगर आपका गला भी ख़राब है, तो अगर किसी का भी गला ख़राब हो जाए तो उसको चाहिए कि इस तरह का आप मसवाक ले लें। और मसवाक तो आपको मालूम ही होगा कितना फ़ायदेमंद है और कितना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, दांत कितने अच्छे साफ करता है। ठीक है, कुदरती चीज़ है, सबसे बढ़कर ये बात है। आपने इस तरह मसवाक के पतले पतले पीसेस काट लेने और पानी आपने ले लेना है थोड़ा सा नीम गरम, क्योंकि ठंड हो रही है तो ठंडे पानी में डालने का फ़ायदा नहीं होगा। अब इसको रात को भिगो के रखते हैं, सुबह जो है ना निहारूँ आपने इसके गरारे कर लेने हैं। इस तरह ही आप 8-10 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका गला ख़राब भी कभी भी नहीं होगा, और जो थोड़ा बहुत ख़राब है वो ठीक भी हो जाएगा। आई होप ये कीमती टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलते हैं अगली टिप्स की तरफ जी। हमारी इस तरह जो कैंची होती है तो अक्सर ये जो है तो काम करना छोड़ देती है, तो ये जो है ना ठीक काम करे और शार्प रहे। अगर आपकी कैंची तेज़ भी है जैसे कि मेरी तेज़ है, तो कभी कभार अगर आप फारिग होती हैं तो इस तरह के जो है ना टेबलेट के पत्ते लेके तो कैंची के साथ छोटा छोटा इनको कुतरना शुरू कर दिया करें। अगर आपका कोई टाइम है वो भी पास हो जाएगा और आपकी कैंची भी तेज़ हो जाएगी। और इन पत्तों को इस तरह आप रगड़ा भी करें, इससे भी जो है ना हमारी कैंची जो है ना तेज़ हो जाती है, क्योंकि ये टेबलेट के जो पत्ते हैं कुछ टेबलेट की हिफाजत के लिए इस तरह बनाए गए हैं कि ये हर चीज़ को जो है ना अच्छा कर देते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। मैंने अपनी वीडियो में आपको नाइफ़ तेज़ करने की बहुत सारी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, और हमारी नाइफ़ आप देख सकते हैं कितनी लशपश है। तो इसको मज़ीद लशपश करने के लिए मैं किसके साथ आज करूँगी, कप के साथ। इस तरह सबसे बड़ा कप और खुरदरा कप इस तरह आपने ले लेना अपने घर का, जो जिसके नीचे का साइड ऐसा हो, और इस तरह जी आपने अपनी नाइफ़ तेज़ करना शुरू कर दी है। नहीं है इसी तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको भी बताया है, और इस तरह आप करते जाएं। हो सके तो थोड़ा थोड़ा सा साथ पानी भी लगाते जाएं। यकीन मानिए आपकी जितनी भी बेकार टाइप की नाइफ होगी वो जो है ना बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगी और इतनी शार्प हो जाएगी कि देखें लेमन कितना सख्त है, हार्ड लेमन है, बट ये कैसे काट रही है। आलू प्याज की तो कोई बात ही नहीं है, और देखें जी कितनी गोल गोल और प्यारे प्यारी शराफत के साथ ये काटने लग गई है। तो आई होप ये टिप्स जो है ना आपको बहुत पसंद आई होगी। अब जो है ना बाय बाय कर दें छुरियाँ चाकू तेज़ करने वालों को, और अपने घर पे करें। आई होप सब टिप्स आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।